करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है, जो कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, फॉर्म फिल कब होगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में कवर की जाएंगी कि कब आपका प्रैक्टिकल होगा, कब आपका मिड टर्म और एंड टर्म एग्ज़ाम कब होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। बात करें जो नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर हम बात करें द एग्जामिनेशन ऑफ द इवेंट्स सेमेस्टर सेकेंड के, फोर्थ के, सिक्स के, एट्थ के, और बात करें एकेडमिक सीजन 2022-23 हैव बीन कंप्लीटेड। अब जो बच्चे भी ऑड सेमेस्टर के, मतलब थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, सारे प्रोग्राम, चाहे वो यूजी कोर्सेज के हों, पीजी कोर्सेज के हैं, उनके जो अगर हम फॉर्म की बात करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, तो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 17 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो जो बच्चे भी हैं अपना कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर अपना वो रजिस्ट्रेशन कर लें, तो रजिस्ट्रेशन 17 से लेके 20 जुलाई तक हो रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। बात करिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन विद द लेट फी। अगर आप लेट 17 से लेके 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो वहाँ पर 500 रुपये क्या है, लेट फी लगेगा, जो कि 23 से लेके 27 जुलाई के। ठीक है, तो जल्दी से, बहुत कम टाइम है, सिर्फ 3 दिन है, अपने फॉर्म को आज से या 20 तक आप फिलअप कर लो। दूसरा उसमें क्या क्या चीज़ें, हॉस्टल री एडमिशन की बात करें तो 20 से लेके 24 तक। आपकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस चलेंगे वो 21 जुलाई से ऑनवर्ड्स चलेंगी। बात करें एडमिट कार्ड कब इशू होगा, एडमिट कार्ड आपका 5/9/2023 को सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर को एडमिट कार्ड इशू होगा। मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 18 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें तो 5 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक, और इन टर्म एग्ज़ाम होगा आपका 15 तारीख से लेके 31 तारीख तक। ठीक है, तो पूरा एग्ज़ाम ये देख लीजिए, आपका मिड टर्म और इन टर्म एग्ज़ाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, आपकी सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करा लो जाके अपना। प्लस अगर हम यहाँ बात करें फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्लासरूम हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक, अब जो बच्चे आर्ट वाले हैं, जो बच्चे साइंस वाले हैं, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, उनका जो है अगर हम बात करें तो आर्ट्स वाले हैं क्लासरूम 42 और 43 में, इंचार्ज डीन, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। साइंस क्लास रूम 122 और 113 जो कि साइंस डिपार्टमेंट में, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का क्लासरूम 9 और 10, ठीक है, इंजीनियरिंग का है, फिर कॉमर्स का क्लासरूम 8 है, लॉ का 13-14 है, एजुकेशन का 4 है, मैनेजमेंट का 209-309 है। तो अपने क्लासरूम में जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। दूसरी बात, ठीक है, तो ये सारा था आपका मिड टर्म और एंड टर्म, जल्दी ही आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करना कि आपकी क्लासेस कब से हम स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, और टाइमिंग क्या रहे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करना। ओके, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देखना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, थैंक यू।